शेरवानी ऐसे गंदी है। हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अली ख़ान अलमारूफ अली बाबा को मराठवाड़ा वक्फ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस मौके पे औरंगाबाद के अंदर एक पीसी हुई जिसमें महाराष्ट्र औरंगाबाद के सभी जिम्मेदार थे। मैं दिल्ली से बुनैन अहम हसनी आया, बम्बई से नाज़िर सिद्दीकी आए, महाराष्ट्र वक्फ़ प्रेसिडेंट यहाँ लेटर दिया उन्होंने, उनका नाम है फैसल शेख इकबाल। उनके साथ जो है बॉम्बे से रीनी रिजवी साहिबा आईं और दिल्ली से हमारे साथ जो है ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी मिस्टर वारिस अली आएँ और आज के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र आसिफ शेख मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने ऐसे मौके पर इनको मुबारकबाद दी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मराठवाड़ा वफ का प्रेसिडेंट बनाया गया है जो फैसल इकबाल शेख की लीडरशिप में महाराष्ट्र में काम करेंगे। और मराठवाड़ा वक्फ प्रेसिडेंट सूफ़ी मोहम्मद अली ख़ान कादी साहब जो प्रेसिडेंट बनाए गए, इनकी लीडरशिप में मोहतरम कुरैशी सिद्दीक साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। वो सूफ़ी मोहम्मद अली ख़ान कादी साहब की लीडरशिप में काम करेंगे। तो औरंगाबाद आसिफ मंजिल के अंदर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उनमें कुछ लोगों को जो है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जो है पोस्ट दिया गया, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए पूना से मोहतरम पीरजादा इम्तियाज साहब और साथ में डॉक्टर सलीम हनीफ साहब को जालना के तालुका में भुनकर है वहाँ का प्रेसिडेंट। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज औरंगाबाद शहर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की एक मीटिंग मुनक़िद की गई जिसमें राष्ट्रीय महासचिव हज़रत बुनई हसनी साहब मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष फैसल इकबाल साहब, इनकी मौजूदगी में पदों का वाटअप किया गया। हम हज़रत मोहम्मद अली ख़ान कादरी अलमारूफ सूफ़ी अली बाबा, इनको मराठवाड़ा अध्यक्ष पद दिया गया, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इनकी अध्यक्षता में बहुत सारे मराठवाड़ा लेवल पे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई, पोस्ट दी गई। हम अपने तहे दिल से ईमानदारी से कौम व मिल्लत के लिए काम करेंगे और तमाम नवनिर्वाचित सदस्यों को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में बेहतर कौम और मिल्लत की बेहतर काम कर रही है, इनके जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के ब्रुनेई साहब अल्लामा साहब और वारिस अली साहब बॉम्बे के जाने माने कौम और मिल्लत की काम करने वाले रीनी रिजवी साहिबा, तमाम महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के फैसल भाई, इन तमाम साथियों ने आज मुझे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी ये ज़िम्मेदारी दी है। मैं आप लोगों का और इन सभी उलेमा बोर्ड का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं बेहतर से बेहतर कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकूँ। शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम। आज उलमा बोर्ड की जो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रोग्राम में हमारे फैसल भाई और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट एंड औरंगाबाद टीम वक्फ बोर्ड टीम, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया और एक अच्छा मौका दिया हम लोगों को उलमा बोर्ड में शामिल करके। और हम लोगों का काम है कि आज लोग हम लोगों से कभी सवाल करते हैं कि लेडीज़ का उलमा बोर्ड में क्या काम है, तो मेरा एक ये कहना है हमारी सारी बहनों से कि मैं एक आलिमा तो नहीं हूँ बट ऑलरेडी मैं एक सोशलिस्ट हूँ, एक पॉलिटिकल हूँ। तो आज हमारा ये सोच है कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स के लिए या सोशल के लिए कुछ करते हैं तो उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके हमारे अपनों के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करने का हमारे पास भी राइट है। कि आज का जो माहौल है देश का बस से बदतर हो जा रहा है कि आज औरतों को भी निकलने की ज़रूरत है। और माइनॉरिटीज़ के परसेंटेज आज आने वाले इलेक्शन में हमारा
बोलना है कि चाहे आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिस तरीके से अपने परसेंटेज को बढ़ाएं, अपने घर से निकल के अपने वोटों को आगे दर्ज करें ताकि माइनॉरिटीज़ की जो स्कीमें हैं हमारे कौम तक पहुँचे। बस मेरा यही एक मैसेज है उलमा बोर्ड की तरफ से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रीनी रिजवी है। मैं उलमा बोर्ड में काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र टीम में जुड़ी हुई हूँ। हाय, दिस इज एंकर एमसी माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।